ये है जी iPhone 6s Plus और ये है जी iPhone XS। ये 2015 में आया था और ये 2018 में आया था। इसकी 2GB रैम है, इसकी 4GB रैम है। दोनों की रैम में ऑलमोस्ट डबल फर्क है। इसका चिपसेट A9 है और इसका चिपसेट A12 बायोनिक है। आज हम इस वीडियो में चेक करते हैं इसकी परफॉर्मेंस इसके कंपैरिजन में कितनी ज्यादा स्लो है। मॉडल बेशक इसका पुराना है, कोई 6-7 साल पुराना हो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक चल रहा है। मैं खुद चला रहा हूँ, इससे बड़ी बात हो सकती है वैसे। तो सबसे पहले मैं दोनों फोन को बूट अप करता हूँ और चेक करते हैं कौन सा फोन जल्दी स्विच ऑन होता है। iPhone XS, iPhone 6s Plus, यहाँ पे मैंने दोनों को बटन को प्रेस कर दिया। अब चेक करते हैं कौन जल्दी स्विच ऑन होता है जी। 6s Plus का डिस्प्ले जल्दी ऑन हुआ है XS के कंपैरिजन में, लेकिन अगेन हम चेक कर लेते हैं कौन जल्दी हमें होम स्क्रीन के ऊपर लेके जाता है। इसकी ब्राइटनेस काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में ना। चलो भाई जल्दी बताओ क्या सीन है क्या नहीं। एक्सेस ऑन हो गया जी, 6s Plus अभी भी टाइम ले रहा है, लेकिन देख लेते हैं क्या सीन अभी। फिर भी कितनी देर बाद ही आना था, अभी ऑन हो गया जी, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, थोड़ा सा कुछ 2-3 सेकंड का फर्क आप कह सकते हैं। दोनों फोन में मैंने तकरीबन 15 से ज़्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी हम 1 by 1 ऐप्स को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कौन सा फोन जल्दी ऐप्स को लोड करता है। दोनों सेम वाईफाई से कनेक्टेड है, दोनों के ऊपर मैंने एयरप्लेन मोड ऑन किया हुआ है, दोनों की सेम ब्राइटनेस है। सबसे पहले हम फोन में जो बाय डिफॉल्ट ऐप्स होती हैं जिनको हम खुद इंस्टॉलिंग करते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली फोन में इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि ये कैलकुलेटर, इसको टेस्ट कर लेते हैं कौन जल्दी ऑन करता है जी। दोनों का ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। कॉल को ओपन कर लेते हैं जी, इसका थोड़ा सा स्लाइटली सा पीछे था 6s Plus का। कैमरा को ओपन कर लेते हैं, इनका क्या सीन है, ये भी ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। इन गैप्स को हम टेस्ट करें तो हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं फील होने वाला, जैसे कि मैं सेटिंग्स ओपन करता हूँ, ये भी दोनों ऑलमोस्ट सेम ओपन हो गई हैं। तो इसलिए हम इनको टेस्ट जितना कर लिया इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं टेस्ट करने वाले। हम करेंगे जी इन ऐप्स को जो कि मैंने खुद डाउनलोड की है। इनमें वीडियो एडिटिंग ऐप्स भी हैं, इनमें गेम्स भी हैं, इनमें हैवी वाली गेम्स भी मैंने डाउनलोड की है, इसमें सोशल ऐप्स भी हैं, मैंने तकरीबन हर कैटेगरी के ऐप्स इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि हमें अच्छे से पता चल सके कौन सा सिस्टम कैसे परफॉर्म करता है। सबसे पहले साउंडक्लाउड को ऑन करते हैं जी, XS का जल्दी ऑन हो गया था 6s Plus के कंपैरिजन में। अभी ऑन करते हैं जी यूट्यूब को, ये चेक करते हैं कौन जल्दी वीडियो को यहाँ पे लोड करता है। तो ऑलमोस्ट दोनों का बराबर था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था वैसे दोनों में। अभी ऑन करते हैं जी सबवे गेम को, ये करते चेक करते हैं कौन जल्दी ऑन करता है जी। तो इसके ऊपर लोडिंग स्टार्ट हो गई है, इसकी भी लोडिंग नहीं स्टार्ट हुई, इसकी भी लोडिंग स्टार्ट हो गई है। तो ऑलमोस्ट ये रेडी हो गई है गेम XS की, ये भी रेडी हो गया जी, फर्क था दोनों में डेफिनेटली। फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं, ये कौन जल्दी लोड करता है जी। दोनों के ऊपर, इसके ऊपर स्टार्ट हो गया, दोनों के ऊपर ही स्टार्ट हो गया बल्कि। तो अब चेक करते हैं लास्ट में हमें कौन लेके जाता है। इसके ऊपर भी लोडिंग है, इसके ऊपर भी लोडिंग है, लेकिन एंड रिजल्ट हम देखेंगे जी। दोनों की 100% तो ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है वैसे दोनों का ना सीन, लेकिन लास्ट पर देखते कौन जीतता है भैया। चलो भाई इसकी गेम ऑन हो गई है और इसकी देख करते हैं कितनी देर बाद गेम ऑन होती है जी। चलो भैया ऐसे नहीं करो, ये नाइंसाफी है। इसकी भी गेम ऑन हो गई, आप चेक कर सकते हो दोनों का डिफरेंस। टेम्पल राउंड को ऊपर कर लेते हैं जी, कौन जल्दी ऑन करता है जी। दोनों के ऊपर, इसके ऊपर लोडिंग स्टार्ट हो गई और इसके ऊपर, चलो भाई तुम भी लोडिंग स्टार्ट करो, इसकी गेम ऑन हो गई है। लेकिन हम लास्ट को चेक करते हैं कौन जल्दी हमें वहाँ पर लेके जाता है, और यहाँ पे ये पहुँच गया, लेकिन यहाँ पे वो टैप टू प्ले आएगा ना, वो चेक करते हैं कौन जल्दी। इसका आ गया जी प्ले का ऑप्शन आ गया, इसकी अभी तक नहीं आई, तो यहाँ पे आप डिफरेंस चेक कर सकते हो। अभी इसकी भी आ गई है जी। स्पॉटीफाई को ओपन कर लेते हैं जी, इसका मैं क्या सीन है दोनों का। दोनों जल्दी लोड होंगी डेफिनेटली, दोनों ऑलमोस्ट सेम थी, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था दोनों में। मेरे ख्याल में 6s इसमें ज़्यादा जल्दी लोड हो गया जी। अमेज़न को ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या सीन है दोनों का। तो कौन जल्दी लोड करता है जी, जल्दी बताओ। स्टिल लोडिंग, इधर भी स्टिल लोडिंग। XS की जल्दी लोड हो गया जी 6s Plus के कंपैरिजन में। इंस्टाग्राम को ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या सीन है जी। इसके लोड हो चुका है और इसका अभी तक लोड नहीं हुआ, इसका अभी जाकर लोड हो रहा है जी, डेफिनेटली डिफरेंस है दोनों में। ट्विटर को ओपन कर लेते हैं, ट्विटर का क्या सीन है जी। तो दोनों का, XS का जल्दी लोड हुआ जी 6s Plus के कंपैरिजन में। पबजी मोबाइल को ओपन करते हैं जी, एक हैवी गेम को जो कि हम कंसीडर करते हैं, इसको अब चेक करते हैं कौन जल्दी लोड करके देता जी हमें। इसकी थोड़ी सी आगे जा रही है, इसकी चेकिंग फॉर अपडेट्स पे पहुंच गया है, इसका अभी नहीं पहुंचा। इसकी गेम ऑन हो चुकी है जी XS की, लेकिन अभी इसकी भी ऑन हो गई है जी। टिकटॉक ऑन करते हैं जी, ये कौन जल्दी लोड करता है वीडियो को यहाँ पे। तो दोनों की वीडियो स्टार्ट है, इसकी वीडियो जल्दी लोड होगी XS की इसके कंपैरिजन में। फेसबुक को टेस्ट कर लेते हैं जी, कौन जल्दी पोस्ट को यहाँ पे लोड करता है। तो XS की जल्दी लोड होगी इसके कंपैरिजन में, इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लेके किया है, सो कुछ सेकंड का डिफरेंस है, ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं। ज़ैपा को ओपन कर लेते हैं, इसमें क्या सीन है जी। XS का ऑन हो चुका है, इसका थोड़ा सा टाइम लेके ऑन हुआ है जी। व्हाट्सएप को चेक कर लेते हैं कौन जल्दी लोड करता है, यहाँ पे कनेक्टिंग चल रहा है, इसका कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कनेक्टिंग चल रहा है, इसका थोड़ी देर बाद में ऑन हुआ जी व्हाट्सएप। स्नैपशीट को ओपन कर लेते हैं जी, क्या सीन है जी। दोनों का स्नैपशीट में डेफिनेटली ज़्यादा कोई बड़ा वाला फर्क नहीं। नेटफ्लिक्स को ऑन कर लेते हैं, कौन जल्दी यहाँ पे लोड करता है जी, लास्ट पे कौन जल्दी पहुँचता है। तो
6S में जीत गया जी XS के कंपैरिजन में। दोनों फोन पे मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑन रखा हुआ, जिसका मतलब यह है कि अगर मैं एक ऐप ओपन करता हूँ ये ऐप ओपन होगी, उसके बाद मैं दूसरी ऐप ओपन करता हूँ ये भी ऐप ओपन होगी, उसके बाद मैं तीसरी ऐप ओपन करता हूँ ये भी ऐप ओपन होगी। अब मैं जब वापस से पहली ऐप ओपन करता हूँ तो वो ऐप वहां से स्टार्ट होती है जहां से उसको मैं छोड़ के गया था, या वो वापस फिर से शुरू से रिस्टार्ट होती है। मतलब इन शॉर्ट हम इसकी मल्टीटास्किंग चेक करने जाने के, अगर एक साथ हम इसमें 10 से 12 एप्लीकेशन यूज करें तो वो कैसे परफॉर्म करती है। तो मल्टीटास्किंग में हम वापस से फिर से ऐप्स ओपन करते हैं, मैं ओपन करने लगा हूं साउंडक्लाउड को, ये कहां से स्टार्ट होती है, दोनों को वहां से स्टार्ट किया जहां से हम छोड़ के गए थे। यूट्यूब को चेक कर लेते हैं, यूट्यूब को कैसे ना, यूट्यूब भी दोनों की वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे। सबवे को ओपन कर लेते हैं जी, सबवे इसकी तो वहां से स्टार्ट हुई है एक्सेस की जहां से हम छोड़ के गए थे, लेकिन 6S प्लस की वापस शुरू से स्टार्ट हो रही है जी। फ्री फायर को ओपन कर लेते हैं जी, फ्री फायर का क्या सीन है जी, इसकी फ्री फायर वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे, इसकी वापस फिर से शुरू से स्टार्ट हो रही है जी। टेम्पल रन को ओपन कर लेते हैं, टेम्पल रन का क्या सीन है जी, इसका टेम्पल रन वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे, इसका वापस फिर से शुरू से 6S प्लस का स्टार्ट हो रहा है जी। स्पॉटीफाई टेस्ट कर लेते हैं, स्पॉटीफाई इसका वापस शुरू से स्टार्ट हो रहा है 6S प्लस का, इसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे, तो डेफिनेटली फर्क आ रहा है काफी ज्यादा। अमेजन को टेस्ट कर लेते हैं जी, अमेजन इसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे, इसका वापस फिर से शुरू से लोड हो रहा है। इंस्टाग्राम को टेस्ट कर लेते हैं, इंस्टाग्राम इसका वापस शुरू से लोड हो रहा है 6S प्लस का, इसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। ट्विटर को क्या सीन है जी, ट्विटर इसका वापस शुरू से स्टार्ट हो रहा है, इसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। पबजी मोबाइल का क्या सीन है जी, इसकी तो गेम वहां से स्टार्ट हुई है जहां से हम छोड़ के गए थे एक्सेस की, लेकिन 6S प्लस की गेम फिर से शुरू से स्टार्ट हो रही है जी। टिकटॉक का क्या सीन है जी, टिकटॉक तो ऑन हो जाए, नहीं नहीं 6S प्लस का वापस शुरू से स्टार्ट हो रहा है, जिसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। फेसबुक का क्या सीन है जी, फेसबुक भी इसकी शुरू से स्टार्ट हो रही है, इसकी ऑलमोस्ट सारी ऐप शुरू से स्टार्ट हो रही है, एक्सेस इसमें काफी ज्यादा बीट कर रहा है। जैपे का क्या सीन है जी, जैपे भी इसका शुरू से स्टार्ट हो रहा है जी, इसका एक्सेस का वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। व्हाट्सअप का क्या सीन है जी, व्हाट्सअप भी इसका शुरू से स्टार्ट हो रहा है जी, इसका वहां से स्टार्ट हुआ जहां से हम छोड़ के गए थे। स्नैपचैट का क्या सीन है जी, स्नैपचैट भी इसका शुरू से स्टार्ट हो रहा है जी 6S प्लस का। नेटफ्लिक्स का क्या सीन है जी, नेटफ्लिक्स भी इसका शुरू से स्टार्ट हो रहा है जी। तो मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो इसकी ऑलमोस्ट सारी एप्स 6S प्लस की शुरू से स्टार्ट हुई हैं, एक दो को छोड़ के, लेकिन एक्सेस की बात की जाए तो इसकी सारी एप्स वहां से स्टार्ट हुई हैं जहां से हम छोड़ के गए थे। इसको एस एस फाइव करोगे तो इसकी ऑप्शन आ जाएगी, इसको डबल प्रेस करोगे तो फिर यहाँ इसके ऑप्शन, ऐसे करके दोनों को क्लोज करना पड़ेगा। जो लोग मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करते हैं उनके लिए छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, दोनों फोन में वीडियो को रेंडर करते हैं, चेक करते हैं कौन सा फोन जल्दी वीडियो को रेंडर करता है। तो वीडियो एडिटिंग के लिए यहाँ पे मैंने वीएन को डाउनलोड किया है, इसको टेस्ट कर लेते हैं जी। न्यू प्रोजेक्ट, दोनों के अंदर मैंने सेम वीडियो एड कर दी है जी, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो दोनों के सेम सेकंड्स है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं जी, मैनुअल, यहाँ पे मैंने दोनों का रेजोल्यूशन भी सेम कर दिया 1080 पिक्सल, दोनों का फ्रेम पर सेकंड भी मैंने 60 पे कर दिया, दोनों का बिटरेट भी मैंने 1.3 पे कर दिया। तो अभी इसको एक्सपोर्ट करते हैं और चेक करते हैं कौन जल्दी हमें वीडियो को एक्सपोर्ट करके देता है। इसका 100 हो गया, इसकी वीडियो रेंडर हो चुकी है जी, और इसकी अभी तक 60 पे पहुंची है, ऑलमोस्ट 45 का फर्क डेफिनेटली है दोनों में, 45% का काफ़ी टाइम ले रही है इसके कंपेयर में। एक छोटी सी 53 सेकंड की वीडियो थी लेकिन उसको भी काफी ज्यादा लेटेस्ट में रेंडर किया, अभी ये भी रेंडर हो गई है जी। दोनों फोन के कैमरे की शटर भी चेक कर लेते हैं कैसे जी, आपने यहाँ पे चेक करना कौन सा फोन जल्दी पिक्चर को लोड करता है। तो वैसे मैं पिक्चर सीधी कर दी, अब क्लिक करती हैं जी, तो ये मैंने क्लिक कर दी तो ऑलमोस्ट बराबर से ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। इस साइड पर क्लिक करते हैं जी, बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। एक पिक्चर को ले लेते हैं जी, आप देखते हैं जी, बराबर है यार, क्योंकि दोनों सेम वाईफाई से कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम इसकी वेब ब्राउजिंग चेक कर लेते हैं कैसे जी, दोनों के ऊपर मैंने ब्राउजर ओपन कर दिया, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जी google.com और यहाँ पे मैं गो के ऊपर टैप करता हूँ, को जल्दी ऑन करते हैं, दोनों ने ऑलमोस्ट सेम किया था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आया। यहाँ पे हम बात नहीं खत्म करते हैं, मजीद आगे जाते हैं। iPhone 13, दोनों के ऊपर मैंने iPhone 13 लिख लिया। अब यहाँ पे मैं सर्च के ऊपर टैप करता हूँ कौन जल्दी लोड करता है जी, तो ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं था। यहाँ पे हम वेबसाइट के ऊपर टैप करते हैं, यहाँ पे कौन जल्दी लोड करके देता है जी, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा दोनों में। तो यहाँ पे हम रीड एवर रिव्यू के ऊपर टैप करते हैं, ये कौन जल्दी हमें लोड करके देता है जी, कमेंट्स है जो यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट ये भी ऑलमोस्ट सेम था, ज़्यादा कोई फर्क नहीं आ रहा दोनों में भी। तो यहाँ पे हम इसकी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, ये कौन जल्दी लोड करके देता है जी, तो इसने थोड़ा सा जल्दी कर दिया है 6S प्लस ने XS के कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली वेब ब्राउजिंग की बात किया तो दोनों में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें फील नहीं हुआ। अभी लास्ट पे जी हम इसका बेंचमार्क स्कोर चेक कर लेते हैं कैसा है जी। यहाँ पे मैंने Geekbench 5 डाउनलोड किया हुआ है दोनों के ऊपर, मैंने CPU पर जाता हूँ, यहाँ पे मैं रन बेंचमार्क क्लिक करता हूँ, तो दोनों के बेंचमार्क स्कोर में काफी ज्यादा फर्क है। इसका सिंगल कोर स्कोर है जी 1115, इसका है जी 558। इसका मल्टी कोर स्कोर है जी 2916, इसका है जी 1038। दोनों की सिस्टम इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दोनों की प्रोसेसर इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसमें 812 बायोनिक चिप है और इसमें एपल A9 है। दोनों की रैम आप चेक कर सकते हो, इसकी 2GB है, इसकी 4GB है। दोनों की सिंगल कोर परफॉर्मेंस की आप डिटेल चेक कर सकते हो यहाँ पे आप मल्टी कोर परफॉर्मेंस की डिटेल चेक कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी डिटेल जो किसने दी है वो आपको मैंने दिखा दी है। अभी बाई चांस लास्ट पे चेक करते हैं कौन जल्दी पावर ऑफ होता है, तो यहाँ पे मैं दोनों को स्लाइड कर दिया, अब एक साथ छोड़ूंगा और चेक करना आपने किसका डिस्प्ले जल्दी बंद होता है, तो ऑलमोस्ट सेम था, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। अगर तो आपने वीडियो एंड तक देखी है तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि आपको पता चल गया होना किस फोन की स्पीड तेज है, किस फोन की मल्टीटास्किंग तेज है, किस फोन का कैमरा क्लिक तेज है, किस फोन की वेब ब्राउजिंग तेज है, किस फोन का बेंचमार्क स्कोर ज्यादा है, और क्या मैंने बोला था, और क्या था, जो भी था आपको पता चल गया होना। तो बस यार आज की वीडियो इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।